ऑल राइट भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का एक और रिएक्शन में। इस बार हम करने जा रहे हैं योद्धा करके। इट काइंड ऑफ फील्स वियर्ड टू से दिस, बट मतलब अस ब्रो अस मोमेंट है थोड़ा सा। काफी समय इंतजार किया इस नाम की, कोई पिक्चर नहीं आ रही थी, बहुत पहले एक पिक्चर बनी थी लेकिन अब फाइनली आ चुकी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, टीजर आ चुका है, रिएक्शन करते हैं, फिर वीडियो भी बनाना है, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, इंडियन पिक्चरों की सबसे खास बात मेरे को यही लगती है कि ये लोग 4K में अपने ट्रेलर्स डालते हैं एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं और अगर किसी को उसमें से नहीं गिरना तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और अपनी जगह पर बैठे रहें क्योंकि आगे तूफान आने की संभावना है। पायलट ने 7500 स्कॉक किया है, इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। ऑन फ्लाइट कमांडो कौन है? बहुत तेज, एयर भारत। नाइस, काफी जल्दी हो करके निकल गया, बहुत कुछ समझ में आया नहीं इससे पहले, मेरे बॉडी और मेरे सेंसेस उसको कैप्चर कर पाते, सीन हो करके निकल जा रहा था, बट हाँ ये समझ में आ रहा है कि प्लेन हाईजैकिंग के ऊपर मूवी होगी, जो पहले से ही पता भी था, लेकिन अलोंग दोज लाइन्स ये भी समझ में आ रहा है कि मतलब एक्शन काफ़ी अच्छा खासा होगा मूवी में। और एयर भारत करा उन्होंने, आई नोटिस दैट, यू थॉट वी विल नॉट नोटिस बट वी डिड। सो या लॉट्स ऑफ एक्शन एंड उसके साथ में कुछ कुछ और भी चीज़ें होंगी, हाईजैकिंग के ऊपर मूवी होगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा को काफ़ी लंबे टाइम बाद देख रहे हैं, आई थिंक ये जो रोहित शेट्टी का वाला शो आया था इंडियन पुलिस फोर्स, वो भी आया उसमें देखा था, बट उसको मैं अपनी मेमोरी से करके गायब कर चुका हूँ। तो या शेरशाह के बाद अनदर एक्शन पैक्ड रोल, देखने में इंटरेस्टिंग होगा। टीजर मेरे को ठीक लगा, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें एक्सप्लोर करने के लिए, या लेकिन करेंगे इस पर भी बात, देखते हैं। आप बताना आपको कैसा लगा। बाय बाय, टाटा।